बसमान आई होप यू आर ऑल वेल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट थ्री ऑफ ब्राइट मॉडर्न इंग्लिश व्हाट कैन आई बी मैं क्या बन सकता हूँ ठीक है ये सवाल तो मेरे ख्याल से हर किसी की ज़िंदगी में कभी ना कभी आता ही है कि कौन सा प्रोफेशन मैंने चूज़ करना है क्या बनना है आगे ज़िंदगी में मैंने कौन अपने कैरियर को किस तरह से ले चलना है ओके सो नाउ लेट्स बिगिन सिंस द डे सना वॉज बॉर्न एवरी वन वंडर्ड वर्ट शी वुड बी वैन शी ग्रो सना जब से पैदा हुई है तो हर कोई यही सोचता रहता था कि वो जब बड़ी हो जाएगी तो वो क्या बनेगी वन डे सना टीचर टोल्ड हर क्लास दैट शी हैड एन इम्पोर्टेंट टास्क फॉर देम और एक दिन जब वो स्कूल में पढ़ी होती है तो उसकी टीचर कहती हैं सना की टीचर कि आज मेरे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जो मैंने आप सबको देना है थिंक और वर्ट यू कैन बी वैन यू ग्रो अप और सबको ये एक असाइनमेंट देती है सोचने के लिए कि आप ये सोचें कि आप बड़े होकर क्या बन जाना है सना थाट अबाउट इट दे वर सो मैनी पॉसिबिलिटीज़ शी सॉ द बिग रेड फायर ट्रक विद सम फायर मैन इन इट येस इट्स वर् आई कैन बी आई कैन बी आ फायर फाइटर ठीक है तो बहुत सारी जो पॉसिबलिटीज़ है ऑप्शन होते हैं ज़िंदगी में कैरियर चूज़ करने के तो सना इन सब के ऊपर सोचती है और उसको एक बड़ा सा रेड फायर ट्रक फायर ट्रक जो है नज़र आता है लाल कलर का ठीक है तो वो कहती है हाँ मैं जो है ना फायर मैन या फायर फ़ाइटर जो है मैंने बनना है आई कैन पुट द फायर आउट एंड सेव पीपल और आई मे बी अ डिटेक्टिव एंड सॉल्व क्राइम्स एंड सेव पीपल्स लाइफ पहले तो वो कह रही है फायर फ़ाइटर बनना है और उस तरह से मैं लोगों की ज़िंदगी बचा सकती हूँ और उनको आग से निकाल के उनको जो है ना सेव कर सकती हूँ लेकिन फिर कहती है कि या तो फिर मैं डिटेक्टिव बन जाऊँ और ऐसे क्राइम्स वग़ैरह सॉल्व करूँ और लोगों की ज़िंदियाँ बचाऊँ सना हर्ट द साउंड ऑफ अ बिग जेट और फिर उसको एक जेट जो है ना उसकी आवाज़ सुनाई देती है आई कैन बी आ पायलट और आई मे बी एन एस्ट्रोनोट और फिर वो कहते हैं कि क्या तो मैं पायलट बन सकती हूँ या फिर एस्ट्रोनोट जो हलाबाज होते हैं वो भी मैं बन सकती हूँ एंड वॉक ऑन द मून और फिर मैं मून के ऊपर वॉक कर सकती हूँ एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं इन हर इमेजिनेशन शी सो हर सेल्फ वॉकंग ऑन द मून दैन शी थॉट देयर इज़ ऑल्सो अलॉट टू बी एक्सप्लोर्ड अंडर दी आई कैन बी आ स्क्यूबर डाइवर और फिर जब वो रात को होती है या फिर अपनी इमेजिनेशन में वो बहुत ज़्यादा इमेजिन करती है कि जब मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊँगी तो फिर मैं आसमान को एक्सप्लोर करूँगी और इस तरह के वो अपनी इमेजिनेशन में देखती है लेकिन फिर वो कहती है कि हाँ आसमान में तो हमने एक्सप्लोर करना ही है लेकिन जो सी है उसके अंदर भी तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अभी हमने डिस्कवर करना बाकी है और एक्सप्लोर करना बाकी है तो फिर वो कहती है कि मैं एक स्कूबा ड्राइवर भी बन सकती हूँ सना वॉज ऑलमोस्ट होम वन शी सॉ एन एम्बुलेंस और फिर वह जब घर जा रही होती है तो उसको एक एम्बुलेंस नज़र आती है जल्दी में वो जा रही होती है तो ऐसी बात है एम्बुलेंस जो होती है वो जल्दी में ही जाती है इधर उधर क्योंकि उसके अंदर पेशेंट होते हैं और उनकी ज़िंदगी बचानी होती है दैट इज़ वर्ड आई कैन बी और फिर वो कहते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है कि मैं एक डॉक्टर बन जाऊँ या फिर कोई इस तरह की जो एम्बुलेंस वगैरह चलाते हैं वो बन जाऊँ आई कैन बी अ डॉक्टर एंड परफॉर्म ग्रेट ऑपरेशन तो ये बार बार ये पॉसिबिलिटीज़ जहाँ जहाँ पे उन लोगों को देख रही है तो वो सोचे जा रही है कि मैं ये भी बन सकती हूँ वो भी बन सकती हूँ क्योंकि टीचर ने उसको टास्क ये दिया है कि आप ये सोचें कि आप फ्यूचर में कौन सा करियर जो है ना चूज़ करना चाह रहे हैं ओके दैन दैट इवनिंग विद ऑल द पॉसिबिलिटीज़ फ्लाइंग अराउंड इन हर हेड शी न्यू शी नीडिड हेल्प टू आस टू आंसर दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ट कैन आई बी वन आई ग्रो अप फ्राम अ वाइस पर्सन और फिर वो सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ उसके दिमाग में आ रही होती हैं वो ये सोचती है कि हाँ ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है इसके लिए मुझे किसी से मशवरा करना चाहिए ठीक है कि मैं बड़े होकर क्या बनना चाह रही हूँ तो फिर कहते हैं किसी वाइज पर्सन से मुझे इसके लिए इसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए शी न्यू वेयर टू गो फॉर एडवाइस शी वन टू द ओल्डेस्ट एंड द वाइजस्ट पर्सन शी न्यू हर ग्रैंड फादर शी आज फॉर हिज एडवाइस ऑन दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रैंड फादर वट कैन आई बी वन आई ग्रो अप और फिर वो सबसे ज़्यादा बूढ़े और बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल इंसान के पास जाती हैं जो कि उसके ग्रैंड होते हैं दादा अबू होते हैं और उससे वो उनसे जा पूछती है कि मैं क्या बनूँ जब मैं बड़ी हो जाऊँ तो मुझे क्या बनना चाहिए